यार उनको इनका इस हालत में देख के कैसे रहा जाता है। इनके साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं। यार ये वाकई में सच है, और जो कुछ भी हो रहा है ये देख करके हमें भी रोना आ रहा है। बट अब हम अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। सूर्या, हाँ भाई, उसी कमरे में है यार। कौन से कमरे में? उसी कमरे में है यार। सुनील हाँ मेरी बात सुनो, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या आप चाहोगे अंदर जाना? नहीं 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 भैया, अब उनकी यही हालत देखी नहीं जाती हमसे। चले यार सूर्या यार। भाई अब ना रोता हुआ सा ये जो चेहरा है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम बस इतना सा कहना चाहते हैं कि यार हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट भाई का जो रोना है वो नहीं देखा जा रहा है। और हम सिर्फ ये रोना सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ये इनका रिश्ता है। उस रिश्ते की जो मर्यादा है, जो प्यार है इनका, सच बताऊं वो देख करके हमें भी रोना आ रहा है। बट संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है भाई, रो रहे हैं, कसम से सच बताऊं रो रहे हैं भाई। सुनो चलते हैं यहाँ से। दीदी आशीष भाई, हाँ अब रो मत, चलते हैं यहाँ से। अगर हो तो आ जाओ प्लीज। दीदी वो मेरी दीदी भाई दीदी भाई सुनिए, मेरी दीदी सामने दीदी रुको ना, कसम से सूर्या वो सामने है यार। क्या करें? दीदी अगर हो तो आ जाओ प्लीज। भाई सच चलते हैं यार बताऊं आशीष ये ना भाई। सहन हो रहा है इनका, ये जो रो रहे हैं ये नहीं सहन हो रहा है यार। आखिर में दिल अंदर से दुख रहा है कि क्यों भगवान ने ऐसा किया। सूर्या यार चलते हैं यार, मेरे को भी सही नहीं लग रहा है यार। सुनो ना, ऐसा करके रुकते हैं यार। क्या रुकते चले यार सूर्या यार। कोई की रिश्ता जो है इस बहन का जान के जाते, क्योंकि कल को वापस आएंगे यार फिर से, तो उससे अच्छा है कि कोशिश करते हैं कि यार भाई जो कल को वापस आएंगे सुनील, और यही बात होगी। बस हम इतना से चाहते थे कल को वापस से ये रोना ना पड़े। कल को अगर वापस आए हम तो भाई को फिर से लेके आएंगे। अब रोइए मत भाई, देखो रोने से किसी सूर्य की सूर्य तो सूर्य दीदी दीदी अगर आप हो तो आओ। उनकी हालत ही देखी नहीं जाती भैया, वो देखो। वो सामने ही है यार सूर्या। पर आज सच बताऊं आशीष भाई के होने की वजह से वो इतना रुक पा रही है हमारे सामने, ये बहुत बड़ी बात है चलो हमारे यार लिए। ऐसा हुआ कि रुचिका रुकी दीदी है। प्लीज रुक जाओ, हमसे बात करने की कोशिश तो करो, क्या चाहते हो आप? वो भाई पीछे जा रही है सूर्या, पीछे दीदी जा रही है वो। अगर किसी भी तरह से हम जान पाते हैं कि इनकी अगर कोई ख्वाहिश है अधूरी जो वो चाहते हैं, तो हम वो जरूर पूरी करेंगे, आज वादा करते हैं हम। अरे दीदी अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो तो प्लीज बता दीजिए हमें। सूर्य वापस चले गए एक बार अंदर, बात वगैरह करनी हो तो। चलो अंदर जरूर चलेंगे, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं देख चलेंगे, अंदर जरूर चलेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। 100 में से 99% हम कोशिश करेंगे जान लेने की, कि हम जान सके कि आखिर में वो चाहती भैया, क्या उनकी है। हालत अब देखी नहीं जाती हमसे। मेरे घर वाले यह हालत देख लेते, चाची चाची तो उनके, तो उनको नाम लेने से उनको रोना जाता है। दीदी सूर्या अंदर दीदी ऐसा मत करो से कुछ प्लीज, चीजें आ रही है यार बाहर। दीदी प्लीज ऐसा मत करो दीदी। चल के आवे ना अंदर सूर्य। सूर्य अंदर चलो भाई, सूर्या आशीष भाई इस अंदर तरफ चलो। देख, भैया इस तरफ नहीं, वहां देख, उनकी हालत देखी नहीं जाती भैया। सामने इस खिड़की में देख सूर्या।
पीछे चलना थोड़ा प्लीज, थोड़ा सा पीछे चलो और अपने आप में हिम्मत रखो, संभाल रखो अपने। देखो दीदी की कैसी हालत हो रखी है, दीदी प्लीज। भाई यार मैंने सोचा नहीं था कि इसी हालत में देखूंगा दीदी को। सूर्य भाई पहली बार ये रुकी है, पहली बार। बिल्कुल ये सच कहा आपने कि ये पहली बार रुकी है इतना। आशीष भाई मैं सच कह रहा हूँ दिल से कि दीदी कुछ कहना चाहते तो कह दो प्लीज दीदी, आपकी हालत देखी नहीं जा रही अब। देखो बहन, हम बस इतना सा चाहते हैं कि आपके साथ जितना कुछ बुरा हुआ है, वो जो आप ही के साथ वाले दोस्तों ने जो आपके साथ मजाक करा और उसी मजाक के चलते आप ज्यादा परेशान हो गए, अपने आपने अपनी मौत को गले लगा लिया। कभी ये नहीं सोचा कि आपके पीछे आपके भाई हैं, आपके माता पिता है, चाचा चाची है और बहनें भी है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आज एक भाई है आपका आया हुआ जो सगा है और वो आपसे बात करना चाहता है। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप एक बार कुछ भी हमें जवाब दो, किसी भी तरह से साइन दो। अगर आप कुछ चाहते हो, किसी भी तरह से कोई ख्वाहिश अगर अधूरी रह गई हो या किसी तरह का बदला या रिवेंज अगर आप चाहते हो तो प्लीज हमें बताइए, हम वो जरूर से करेंगे। अंदर से क्या आप रिवेंज चाहते हो, बदला चाहते हो? दीदी कुछ चाहते हो तो बता दीजिए हमें प्लीज। भैया ये हालत उनकी देखी नहीं जा रही हमसे। अंदर चल के आएगा सूर्य? आशीष भाई नहीं भैया, प्लीज हिम्मत करो, अंदर चलते, क्या पता कुछ पता चल जाए और हम कामयाब हो जाए जो चीज हम चाहते हैं उस वो करने में, या इनकी आत्मा को या इनकी रूह को जो शांति मिल सकती है, हो सकता है किसी वजह से तो वो जानने की कोशिश करते हैं। यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई आपसे मैं। भैया उनकी हालत देख ही नहीं जा रही अब। दीदी रुचिका दीदी अगर कुछ चाहते हो तो बता दीजिए प्लीज, हमारे बारे में सोचिए दीदी। आप पहले छोड़ के चले गए और अब सच बताएं, जो कुछ भी ये हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वाकई में आज तक के YouTube इतिहास में अगर सच में मैं उठा करके देखूं तो जो इमोशनली अटैचमेंट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो वाकई में मैंने इस तरह से नहीं देखा है कहीं पे भी, इस तरह से नहीं देखा है। भाई अपनी बहन से रो करके गुजारिश कर रहा है कि वो अगर कुछ कह सकती है, किसी तरह साइन दे सकती है, किसी तरह हमें बता सकती है तो वो जरूर करेगी, क्योंकि उनके बताने से बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो सकती है, बहुत सारी चीजों को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो अगर कुछ कहें और बताएं तो दीदी अगर कुछ कहना चाहता तो कह दो प्लीज। आशीष भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक बार ना अंदर चलो आप मेरे साथ। चलो चलो प्लीज आप अंदर अंदर चलो प्लीज। भाई हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक जो सच पहुंचना चाहिए उस सच को पहुंचाना चाहते हैं। और एक रिश्ते की मर्यादा, कितना पवित्र एक रिश्ता होता है भाई बहन का, वो आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि आज वो जिंदा नहीं होते हुए भी एक भाई का प्यार वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। रुचिका दीदी प्लीज हमसे बात करने की कोशिश तो कीजिए एक बार। क्या रुचिका बहन आप यही हो? दीदी हो तो जवाब दो प्लीज। सुनील ध्यान रखना यार चारों तरफ प्लीज, अगर वो किसी भी तरह से सामने आते हैं तो जानने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भी हम जान पाते हैं यहाँ पे। सुनील भाई सुनील, आशीष भाई को मैं एक जगह दिखाना चाहता हूँ पर्सनली, जो जगह हमने देखी है वो जगह दिखाना चाहता हूँ। आशीष भाई प्लीज आप मेरे साथ चलोगे एक बार? चलिए भैया, पर उस रूम की तरफ चलते हैं जहाँ जिस रूम में हमने वो देखा था ब्लड, जिसमें हमने ब्लड देखा था। प्लीज अपने आप को संभालने की कोशिश करना, अपने आप को संभाल के रखने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तब तक हम मतलब वैसे जो जानना चाहते हैं वो जानना ही जान पाएंगे। सामने आपको दीदी का बोल बोल सकता है आपके दीदी का और हो सकता है नहीं भी हो। आप अपने आप को संभालिए आशीष भाई।
रो मत यार आशीष भाई यार। भाई रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो थोड़ी सी। वो हो सकता है नहीं हो ब्लड आपकी दीदी का। मैंने देखा था अभी हमारे सामने थी वो। यार कोई बात नहीं आशीष भाई, संभालो अपने आप को प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, संभालो। मैं ये जगह आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हमने इस जगह पे जो देखा है, जो महसूस किया है वो अलग था। बस आपके सामने से आवाज आ रही है अंदर 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 कमरे में। रुचिका दीदी ब्याह वो जिप्सी घबराहट होने लगी है मुझे। तुरे यार उस कमरे में है यार कोई, उसी कमरे में है कोई भाई। सूर्या ओ भाई वो आ गई वापस, कसम से देख सच में वो वहां है। घबराना मत ये यार सुनील, घबराना मत दीदी, भाई कोई बहन से मिलवाने की कोशिश करते हैं यार। दीदी प्लीज अगर आप हो तो बात कीजिए हमसे। दीदी अगर कुछ चाहते हो तो बोल दीजिए आप प्लीज। सामने ही है यार सूर्या। आपकी हालत देखी नहीं जा रही। रो मत यार आशीष भाई, वो सामने ही है यार। आप अपने आप को संभालो, वो हो सकता है आपको रोता हुआ देख के उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही हो प्लीज। दीदी ऐसा है तो बोलो दीदी कुछ तो, आप चाहते हो तो। रुचिका दीदी सामने ये यार सूर्या भाई। दीदी ओ है दीदी, दीदी दी। आप प्लीज आप अंदर जाइए, क्या पता वो आपसे बात करना चाहती हो। दीदी आप यहाँ पे भाई उनको भेजा है हमने दीदी, वो संभाल पाए क्या पता उनसे वो बात कर पाए और उनसे वो कम्युनिकेट कर पाए। तो भाई एक रिश्ते को सच बताऊं दीदी, मैं आशीष भाई को रोते हुए देखा है सच में हमने, रुचिका दीदी आंसू निकलते हुए देखे हैं, बट फिर भी मैं जानबूझ के इनको यहाँ रोक के रखा हूँ। आप होते यहाँ पर हमसे बात की दीदी, कोई कंटेंट नहीं है यार, ये कोई कंटेंट नहीं है कि हम इनकी भावनाओं का मजाक उड़ाए। जो रुचिका दीदी किया है बस वही चाहते है कि वो क्या हुआ अंदर है क्या आशीष? नहीं भैया यहाँ पर है नहीं दीदी, है ही नहीं अंदर ही तो थी यार अभी तो। दीदी रुचिका दीदी बार बार सामने तो आ रही है यार, सामने आ रही है पर यार वो ना बात करना नहीं चाहती। अगर हो तो आप बात कीजिए हमसे दीदी, आपको चाचा चाची बहुत याद करते हैं दीदी। यही क्या अंदर? नहीं भैया अभी तो यही पड़ी थी, पता नहीं कहाँ चले गए। भाई आशीष भाई की हालत नहीं देखी जा रही हमसे, बट फिर भी जो होना चाहिए, जो आखिर तक हम अगर कुछ हासिल कर पाते हैं तो वो वीडियो के जरिए आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। नहीं भैया, नहीं भैया यहाँ पर नहीं दीदी। क्या करें यार सुनिए भैया, मैं अब यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता दीदी। अपने आपको संभालो आशीष भाई, उनको इस हालत में देख के कैसे संभाला जा सकता है। आशीष भाई संभालना होगा क्योंकि आप घर वालों से जाके आप बात करोगे, जब आप ये बताओगे तो वो कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे ये तो एक बार बताओ। दीदी अगर हो तो बात करो रुचिका दीदी। भाई ऊपर कांच दीदी बात करना सामने आ गई दीदी।
आशीष भाई तो सामने ही है। दीदी प्लीज कुछ बोलिए हमसे, दीदी घर वालों के लिए कुछ बोलिए दीदी। भाई बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट है ये, हम खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। दीदी अगर आप कुछ चाहते हो तो बोलिए दीदी। दीदी 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 भाई पास टूट रहा है यार बड़ा दीदी। तो मैं लेके आता हूँ यार। दीदी रुचि का दीदी आशीष भाई आप चलो प्लीज अभी चलो यहाँ से चलो यार। दीदी आपसे बात करना चाहते हैं और किसी भी तरह से आप इससे बात कर सकते हो तो प्लीज कोशिश करो, एक कोशिश करने में क्या जा रहा है। दीदी दीदी आपकी हालत देखी नहीं जा रही, दीदी प्लीज आ जाओ। दीदी संभालो अपने आपको आशीष भाई, अगली बार आ जाएंगे कोई बात नहीं, अभी आप घबराओ मत इतना, अगली बार जरूर से आ जाएंगे। और जो कुछ भी हुआ है देखो उसको हम टाल नहीं सकते, बट रोने से यही होगा कि रोने से और ज्यादा तकलीफें बढ़ेंगी, आपकी भी बढ़ेंगी उनकी भी बढ़ेंगी, समझा करो प्लीज। तो चाहती हो उनको कुछ चाहे तो बताओ तो। हम यही तो जानने की कोशिश करते हैं हर बार। तो बहन आपके भाई को ऐसे रोता हुआ अगर आप घर भेजोगे तो क्या ये सही है, क्या ये करना सही है? दीदी दीदी अगर हो तो बताओ दीदी। संभालो प्लीज अपने आप को। सूर्य निकलते हैं यार यहाँ से भाई यार 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 इनको इस हालत में देखूंगा सोचा नहीं। इनके सामने हम खुद कुछ नहीं बोल पा रहे कि हम क्या कहें या नहीं कहें। आज इनकी हालत को देखता भाई इसकी तबीयत खराब हो रही है भाई की। भाई तबीयत खराब हो रही है, हासिल कर पाते हैं कुछ मिल पाता है करने में क्या जाता है तुम्हें? हो सकता है वो बात करने के मौन में ना। भाई कुछ नहीं कह सकते ना, सामने तो थी यार पहले बार ऐसा हो वो रुकी है बहुत पहली बार तो इतना, जब कभी भी हम आए तब वो सामने नहीं रुकी है, तभी तो कह रहा हूँ पहली बार ऐसा हुआ कि वो रुकी है, वरना वो हर एक सेकंड में गायब हो जाती है इधर से उधर। अब अपने आप को संभालो आशीष भाई, क्योंकि यहाँ पे संभालना जरूरी है क्योंकि भाई पीछे 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 दीदी हो तो हमसे बात करने की कोशिश की दीदी। सूर्या उसके पीछे है यार, वो सामने बिड्डी है, वो सामने बिड्डी है यार। सामने बैठी है यार सूर्या। दीदी हमसे बात करने की कोशिश की दीदी। सुनील ऊपर आ जाओ भैया, नीचे बैठी है यार।
दीदी वहां पे है, बेटी है उसके पीछे है यार सूर्य भैया यार निकलते यार, मैं सहन नहीं हो रहा यार सूर्य तो आ रहा हूँ दीदी, वो सामने बैठी है यार सूर्य निकलते हैं यार भाई समझो सूर्य यार समझो, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ यार चलो यार चले यार भाई वही बैठी है यार भाई चलो यार सूर्या चलते हैं यार बात करने की कोशिश की थी आशीष चलो प्लीज चलो यार सुनील।